अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। दो बड़ी ख़बरें हैं सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स के हवाले से अहम। पहली अपडेट है सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स के लिए फाइनेंस डिवीज़न के कुछ अहम जो हदायत हैं वो जारी की गई हैं। पेंशनर्स हज़रात के लिए ज़रूरी इतला। फाइनेंस डिवीज़न ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कल एक हुक्मनामा जारी किया है कि अगर कोई रिटायर्ड शख्स जो किसी भी महकमे की पेंशन वसूल करता है वो हर अक्टूबर और मार्च में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना कराए या बवक्त ज़रूरत अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना करा सके या मतवातर 6 माह तक पेंशन लेने ना आए तो उसका बैंक अकाउंट डोरमेंट या बंद कर दिया जाएगा। आप अपने ख़ानदान में कोई पेंशनर हो या इर्द गिर्द में कोई जानने वाला हो या वो ख़वातीन जो अपने शोहर की पेंशन वसूल करती हैं उन्हें मुतला कर दें कि हर 6 माह बाद अपनी जो है वो वेरिफिकेशन करवाएं मार्च में और दूसरी बार सितंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाएं। इस मौका पर अगर बैंक चाहे तो अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी ज़रूर करवाएँ। जो पेंशनर्स किसी वजह से वसूली मौखर करते हैं उन्हें भी चाहिए कि 6 माह में एक बार पेंशन ज़रूर ले लिया करें, वरना ख़तरा ये है कि 6 माह बाद जब पेंशन लेने जाना हो और ऐन इस मौका पर तबीयत ख़राब हो जाए और वक्त निकल जाए तो अकाउंट आर्जी तौर पर ब्लॉक हो जाएगा, जिसे दोबारा खुलवाने के लिए 1-2 दिन की परेशानी होगी। लिहाजा बेहतर है कि सेफ साइड यानी इस परेशानी से महफूज रहने के लिए हर 4 माह बाद पेंशन ले लिया करें। आम आदमी का अकाउंट डोरमेंट करने की मुदत 1 साल है। जो अकाउंट साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं होता वो 1 साल बाद डोरमेंट हो जाता है। पेंशनर्स के लिए ये मुद्दत कम करके 6 माह कर दी गई है ताकि किसी खसूसी सूरत हाल में इनके अकाउंट का गलत इस्तेमाल ना हो सके। जो अकाउंट 10 साल तक इस्तेमाल ना हो वो कुल्ली तौर पर बैंक के पास जमाशुदा रकम के साथ स्टेट बैंक के हवाले कर दिया जाता है, जिसे वापस वसूल करना इंतहाई मुश्किल काम है। इसलिए कोई ऐसा अकाउंट जिसमें कोई रकम महफूज करके बच्चों के लिए या किसी और मकसद के लिए छोड़ चुके हों उसे भी 1-2 साल में इस्तेमाल कर लिया करें। बेशक 1,500 रुपये जमा करवा लें या उसकी कोई ट्रांजेक्शन करवा लें ताकि वो जो अकाउंट है वो डोरमेंट ना हो और आप बड़ी परेशानी से बच सकें। इसके अलावा दूसरी बड़ी अच्छी अपडेट है सरकारी मुलाजमीन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फीमेल मुलाजमा के लिए 120 दिन और मेल मुलाजम के लिए 30 दिन की छुट्टी का एक्ट 2023 पास कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन अब जो है वो एक सर्विस में जो है वो छुट्टियाँ ले सकेंगे। ये जो छुट्टियां हैं वो मैटरनिटी लीव और पेरेंटल लीव के हवाले से हैं। मैटरनिटी लीव में जो फीमेल मुलाजम है वो 120 दिन की छुट्टी यानी कि 3 माह की 4 माह की छुट्टी जो है वो ले सकती है, और इसी तरीके से जो सरकारी मुलाजम है मेल वो 30 दिन की छुट्टी जो है वो पेटर्निटी लीव के तौर पर जो है वो वसूल कर सकता है। तो नाज़रीन ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।